Hello dear students, myself Neha, and today we will discuss an important topic of microbial cell culture and its application, chapter 4 of class 12 biotechnology. And the topic which we have to discuss today is strain isolation, under the heading strain isolation improvement and preservation. So jo hamara strain hai, what is a strain? The specific microorganism which we need for our interest. अभी तक हम लोगों ने microbial culture में discuss किया है कि हम लोग जितने भी microbes में काम कर रहे हैं, that is the most important objective is that we need some product. हमें कुछ ना कुछ product चाहिए किसी organism से which is useful for the ह्यूमन बींग्स इन वन और द अदर. तो अब हमारे पास इसमें सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रेन आइसोलेशन. हम उस स्ट्रेन को पर्टिकुलर जगह से आइसोलेट कैसे करेंगे, एंड आफ्टर आइसोलेशन वी हैव टू चेक वेदर द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट इन द सूटेबल अमाउंट और नॉट. So, if we want to produce the product in the large amount, we will go to the strain improvement, and last and most important is to preserve that particular strain of the microorganism. So, now start strain isolation. Regular class 11th and 12th microbiology mein, we have done various practicals in which we isolate the microorganisms on the simple methods that is known as dilutions. Dilution technique से हम करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, से आपने soil से microorganism isolate करना है, तो हम soil को लेते हैं 1 gram, उसको हम 10 ml वाटर में मिक्स करते हैं, और फिर इसके डाइल्यूएंट्स बनाते हैं. इन ईच ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब्स वी हैव 9 ml ऑफ द वाटर, और यहाँ पर 10 ml वाटर है और 1 gram सॉयल है, और यहाँ से हम 1 ml इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं जिसमें 9 ml पहले से है. तो नाउ इट इज ऑल्सो टोटल 10 ml, अगेन वी ट्रांसफर. तो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहां पर सोयल से जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले थे, ऑब्वियसली जब हमने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो उससे कम हो जाएंगे. अगेन वी हैव डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, एंड अगेन वी हैव डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, एंड द लिस्ट गोज अप टू द पॉइंट व्हेन वी रिक्वायर. इसको हम बोलते हैं 10^-1, 10^-2, -3, एंड फर्दर मोर डाइल्यूशन. और यहां से हम अपने जो हमें आइसोलेशन करना है, पेट्री प्लेट हम बनाते हैं पर्टिकुलर मीडिया की, और उस पेट्री प्लेट के ऊपर किसी भी टेस्ट ट्यूब से हम कुछ ड्रॉप्स लेकर स्प्रेड करते हैं. ऑन द नेक्स्ट डे वी ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस इज द बेसिक मैथडोलॉजी ऑफ द सेपरेशन बेसिकली ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सॉयल और एनी अदर सोर्स. बट यहाँ पर क्या होगा, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर सॉइल में सबसे ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली डाइल्यूट होकर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आते जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे. बट व्हेन वी हैव टू डू इट स्पेसिफिकली, देन वी गो फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रेन आइसोलेशन, एंड दैट स्पेसिफिक स्ट्रेन आइसोलेशन इज एनरिचमेंट टेक्निक. As the name implies, enrichment,
ये एनरिचमेंट क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर मीडिया को एनरिच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से। अब यहां पर हमने क्या किया, नाम से हमें पता चल रहा है एनरिचमेंट टेक्निक है। फॉर एग्जांपल, हम वैसी ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जिस कंडीशंस में हमारे ग्रोथ, हमारे इंटरेस्ट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ आर इंटरेस्ट। टेक एन एग्जाम्पल, अगर मुझे टेनेज, ये एक एंजाइम है, टेनेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि टेनेज डाइजेस्ट टैनिक एसिड, ये सब्सट्रेट हो गया, नाउ व्हाट आई विल डू, आई प्रिपेयर अ पेट्री प्लेट मीडिया और इस मीडिया के अंदर टैनिक एसिड डाल देंगे। अब हमें यह पता है कि जो जामुन का पेड़ होता है, उस जामुन के पेड़ के नीचे वाली जो सॉयल होती है, उस सॉयल में ये वाला बैक्टीरिया ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है ज्यादा, क्योंकि जो जामुन का फ्रूट है, जो जामुन है इटसेल्फ, वो टैनिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके उस फ्रूट के अंदर टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इस सॉयल में जामुन गिरा हुआ है, इस जामुन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, टैनिक एसिड प्रेजेंट है, तो यहां पर जो बैक्टीरियाज होंगे इस सॉयल में, वो मैक्सिमम कौन से होंगे, जो टैनेज को प्रोड्यूस करते होंगे, बिकॉज टैनेज कैन डाइजेस्ट द टैनिक एसिड। तो यहां पर हमने क्या किया, एक प्लेट बनाई, जिस प्लेट के अंदर मीडिया बनाया, हमने टैनिक एसिड ऐड कर दिया, एंड वी टेक द सॉयल फ्रॉम वेयर द सॉयल अंडर द जामुन ट्री। अब वहां से हमने जब सॉयल का अमाउंट लिया और उसको डाइल्यूट कर इस प्लेट पर अगर हम प्लेट करेंगे, इस प्लेट पर अगर हम स्प्रेड करके नेक्स्ट डे कल्टीवेट करेंगे, कल्चर करेंगे, तो हमें आफ्टर 24 आवर्स कौन से बैक्टीरिया इसमें ग्रो हुए होंगे, जो इस टैनिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द एनरिचमेंट टेक्निक, मीन्स वी आर एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट विद दैट पर्टिकुलर मीडिया, विद दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट विच विल फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ आर इंटरेस्ट। या दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अगर मुझे किसी थर्मोफाइल को ग्रो कराना है, तो व्हाट कंडीशंस आई विल प्रोवाइड, ग्रोथ कंडीशंस कौन से प्रोवाइड करेंगे हम, हायर टेम्परेचर, सो दैट बैक्टीरिया ग्रोज एट 80 डिग्री सेल्सियस, सो आई विल कीप दिस प्लेट एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी मेसोफाइल्स होंगे वो सब डाई आउट हो जाएंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, एंड ओनली द बैक्टीरियाज विच कैन सस्टेन द हाई टेम्परेचर कैन ग्रो ऑन दिस। सो दिस इज द इनिशियल स्टेप ऑफ द एनरिचमेंट टेक्निक। जब हमारे पास इनिशियल सेपरेशन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑफ आर इंटरेस्ट, तो कन्फर्मेटरी, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, नेक्स्ट इज द कन्फर्मेशन के लिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हुआ है, दैट इज स्पेसिफिकली ऑफ आर इंटरेस्ट और नॉट, वी विल गो फॉर नेक्स्ट फ्यू एक्टिविटीज। वन इज एंटीबैक्टीरियल, another is a immunological method, and third is the molecular method. और इनमें से हम कोई भी use कर सकते हैं,
इवन हमारे पास इससे ज्यादा मेथड्स है बट वी हैव टू डिस्कस दीज थ्री मेथड हियर. सी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी में क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म इफ वी वॉन्ट टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म विच हैव एक हम क्या करेंगे अपने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए इस मीडिया प्लेट में बैक्टीरिया ऐड कर देंगे. एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट हैव the potential to act against this particular bacteria. Understand this? We want this microorganism. हमारे interest का ये microorganism. And we know that this microorganism have एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, मींस इट कैन किल दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्लेट मीडिया एंड बैक्टीरिया. हमारे पास एक प्लेट रेडी करके रखेंगे जिस मीडिया पे वो वाला स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमने पहले से ग्रो कराया हुआ है जिसके अगेंस्ट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है. एंड नाउ जो सैंपल है हमारे पास, सैंपल कैन बी एनी, दैट मे बी सॉयल, वाटर और एयर, एनी सॉयल फ्रॉम एनी कंडीशन, एनी वाटर फ्रॉम एनी कंडीशन. तो हम लोग वहां से जो पोटेंशियल सोर्स है जहां से हम सोच सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल सकता है, हम वो पोटेंशियल सोर्स लेंगे, वो जगह से हम अपना सैंपल आइसोलेट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और उस सैंपल को इस प्लेट पर ग्रो कराएंगे. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमने कहा जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ग्रो कराना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए हमें एक सैंपल चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर सॉयल में ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉयल लेंगे. अब इस सॉयल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट वी वांट दिस स्पेसिफिक ओनली. तो हमने क्या किया, एनरिचमेंट किया था. अब एनरिचमेंट से हमारे पास ग्रोथ आ गई थी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए. इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं सब कल्चरिंग. सब कल्चरिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फ्रेश मीडियम. स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं, एनरिचमेंट टेक्निक में हमने प्रॉपर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया एंड आर पर्टिकुलर इंटरेस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रोब ऑफ आर इंटरेस्ट ग्रो ऑन दैट. बट वी हैव टू कंफर्म इफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोब इज ऑफ आर इंटरेस्ट और नो. तो हमने क्या किया, ये वो एनरिचमेंट कल्चर वाली प्लेट थी, इससे हमने सब कल्चरिंग की. सब कल्चरिंग का मतलब होता है यहाँ से कुछ माइक्रोब्स लिए और नई प्लेट पर लगा दिए. ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द फ्रेश मीडिया. अब यहां से इसको रिलेट करते हैं, ये मेरे पास एनरिचमेंट कल्चर वाली प्लेट है, यहां से हमने माइक्रोब्स को यहां शिफ्ट किया. वी हैव टू चेक वेदर दीज माइक्रोब्स आर ऑफ आर इंटरेस्ट और नॉट. तो हमने क्या किया, यहां शिफ्ट किया. पर ये वाली प्लेट पहले से कैसी है, सब कल्चरिंग की. इस प्लेट में मीडिया प्लस बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया कौन सा,
जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे इंटरेस्ट वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो करेगा, क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि ये इस बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। तो ये इस बैक्टीरिया को यहाँ से रिमूव कर देगा और खुद ग्रो करेगा। यही एक तरह का आप सोच सकते हैं, जब आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो बैक्टीरिया की के ऊपर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने उस प्लेट को थोड़े दिन के लिए रख दिया और किसी काम से बाहर चले गए। जब उन्होंने आके देखा तो वहाँ पर बैक्टीरिया तो था नहीं, वहाँ एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। एंड व्हेन ही फाइंड आउट दैट व्हाट इज दैट न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज फंगस, एंड दैट फंगस हैव द एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया ऑन विच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ओरिजिनली वर्क्स। तो ये कंसेप्ट है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को यूज करने का टू आइसोलेट द स्ट्रेन ऑफ आर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल मैथड्स। अब इम्यूनोलॉजिकल मैथड्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम एंटीजन एंटीबॉडीज डिस्कस करते हैं। सो टू आइसोलेट द पर्टिकुलर स्ट्रेन बाय इम्यूनोलॉजिकल मैथड वी यूज अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम यूज करेंगे जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे इंटरेस्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करती है, उस पर जाके अटैच हो जाती है। एंड नेक्स्ट मैथड ऑफ आइसोलेशन इज मॉलिक्यूलर मैथड। मॉलिक्यूलर मैथड में हम डीएनए डिस्कस करते हैं। सो हेयर वी यूज अ प्रोब। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज अ प्रोब। प्रोब इज अ स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और कुछ भी ऐसी चीज जो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे। सो हम मॉलिक्यूलर मैथड्स में प्रोब यूज करते हैं, एंड दीज प्रोब्स आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ आर इंटरेस्ट। प्रोब्स को उसी तरह से डिजाइन किया जाता है जिस बेसिस पे हम अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट कर सके या डिटेक्ट कर सके। सो क्विक रिविजन, फॉर द स्ट्रेन आइसोलेशन वी मूव टू द एनरिचमेंट टेक्निक। एनरिचमेंट टेक्निक का मतलब है जिसमें हम पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज ऑफ आर इंटरेस्ट, और जब वो ग्रो कर जाता है तो हम उसको सब कल्चर करते हैं ऑन द फ्रेश मीडियाज, एंड स्पेसिफिकली वी कैन गो टू एनी मेथड टू स्पेसिफिकली कंफर्म द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मे बी द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स और द मॉलिक्यूलर मेथड्स। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी में हम लोग पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी सर्च आउट करते हैं। For the immunological methods, we use the specific antibodies that target the microorganism of our interest, while the molecular methods use the specific probes to detect the microorganism of our interest. और अब हमारे पास पहला step complete हो गया है, जिसमें हमने strain को isolate किया है, जिस strain से हमें particular microorganism और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन से हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइसोलेट करना है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।